जी आप मार्केट्स में बैठ गए, बाकी आप समझ ही जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक से मजे में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। इस वक्त रूडी वर्कशॉप में मौजूद। Like my new co-anchor may need a glass of water. अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, ऐसे मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग बॉयज। जैसा कि आपको पता है कि रूडी वर्कशॉप पे मौजूद है और हमने आज इंशाल्लाह गाड़ी वहाँ से लेके आनी है। देखते हैं वहाँ पे क्या अपडेट है गाड़ी की और क्या क्या काम हो गया, क्या क्या काम होना है। तो चलते हैं बॉयज, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें और इंस्टा पे भाई को फॉलो भी कर सकते हैं। लेट्स गो। अब तुमने वाइब्रेशन फील कर लिया गाड़ी में अभी और जब पहुँचेगी तब। हाँ वाइब्रेशन तो है बहुत ज़्यादा है। हाँ बाकी ज़्यादा है। अगर मैं कैमरे में दिखाता चलूँ तो ये आप फील कर सकते हैं। और देख कैमरे को, हमें कैमरे देख। वो चेक इन लाइट आती है जाती है उसने ड्रामा शुरू किया। अच्छा अब ये मसले हमने ठीक करवाने और अब आप मतलब तुम गाड़ी छोड़ के आ रहे हो। मैं आज दे आऊंगा भाई, जब गाड़ी ये वाली आपके पास होगी तो आपका कहाँ दिल करेगा ये चलाने का। दो दो शापर इकट्ठे करेंगे। Don't take it seriously. It is just a joke. भैया सीन ये चल रहा है कि कोको के कुछ काम निकले हैं, तो हमने ये सोचा कि यार क्योंकि वो जब तक वर्कशॉप में खड़ी रहनी है उसके काम होने हैं, तो हमने ना लगे हाथों सर्वे खरीद ली है कि यार मीनवाइल हम ये चला लें। अच्छा वैसी भी बात नहीं है, इतने भी रिच नहीं हो गए हम यार, ये चंद दिनों की मेहमान है हमारे पास आई है। अब आए ना लाइन पे। यार इस गाड़ी की जो हैंडलिंग है ना, मतलब बहुत ही पप्पू है और मुझे बहुत पसंद है इसकी हैंडलिंग, बहुत अच्छी है ट्यूटा के मुकाबले में। अब ये बात आपका भाई आपको क्यों कह रहा है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा मेरे व्लॉग्स में मैं ट्यूटा की बड़ी तरफदारी करता हूँ, मैं बड़ी तारीफें करता हूँ। आप लोग समझते हो कि मेरे पास दो ट्यूटा है तो ये ट्यूटा का बंदा है और ये है ही ट्यूटा की बातें करता है। ऐसी बात नहीं है यार, मैं वो बात करता हूँ जो मुझे सही लगती है, ठीक है। आपका उसके ऊपर रिमार्क्स आपके अलग हो सकते हैं, आपका उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, हर बंदे की अपनी राय होती है। और ये बात करने का और मकसद है, मैंने एक वीडियो में जिस दिन लिली के अंदर गाड़ी के अंदर जो हमारी लिली है सिविक उसके अंदर पानी चला गया था, मैंने एक बात की थी कि ये जो सिविक है ये मम्मी डैडी गाड़ी है। वो भाईजान ने वो पार्ट एक माशाल्लाह से क्रॉप किया, टिकटॉक पे चला दिया, इंस्टाग्राम पे चला दिया, मशहूर कर दिया कि भैया ये जो है ये सिविक की जो है ना वो बुराई कर रहा है। और इसी तरह एक दफा पहले भी हुआ था, मैं बोलता कुछ हूँ भाईजान जो एडिटर साहब होते हैं ना जो इस तरह की मस्ती कर रहे होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स एडिट करके तो वो सोशल मीडिया पे फेंक देते हैं। इस गाड़ी को आप कच्ची सड़कों पे नहीं चला सकते, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती इस तरह के अत्याचार अपने ऊपर, जो टोयोटा है ना वो बर्दाश्त कर जाती है। मेरे कहने का मकसद ये, मम्मी डैडी का मतलब ये थोड़ी होता है कि बुरी गाड़ी है, उसका मकसद ये होता है कि सेंसिटिव गाड़ी है। बस ओवरऑल गाड़ी दोनों ही बहुत अच्छी है यार, टोयोटा अपनी जगह बहुत अच्छी है, होंडा अपनी जगह बहुत अच्छी है। हेलीकॉप्टर स्टार्ट हुआ कैसे? किरण वाला तो काम बड़ा हो गया, सारे वायरिंग वाला हो गया जो कल मसला था लाइट्स का, लाइट्स का रह गया वो अपने स्विच और वायरिंग की बात, वो मतलब एडजस्टर मंगवाना पड़ेगा हमें। ऑलमोस्ट काम हमारा कंप्लीट हो गया है, इसकी थ्रॉटल बॉडी साफ होनी थी, उसके अलावा इसके प्लग्स निकल के हमने चेक किए हैं कि प्लग्स में कोई इशू तो नहीं है, खबर भाई उतारे हैं कि प्लग्स बिल्कुल ठीक है। अब सीन ये है कि इसकी इंजन शील्ड फिट हो रही है नीचे, जो इंजन शील्ड हमने मंगवाई थी, उसके अलावा इसका नीचे से जनरल चेकअप हो रहा है, और जनरल चेकअप हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ आपको साथ ही साथ इसका नीचे से एक दफ़ा दिखाऊँ जो हमने जिस पर मेहनत की थी और एक वर्कशॉप से हमने काम भी करवाया था, इसका सारा लीकेज का अल्लाह का शुक्र है इट इज़ स्टिल ओके एंड इट इज़ स्टिल क्लियर, कोई एज सच इशू नहीं है गाड़ी के अंदर लीकेज के लिहाज से, गाड़ी नीचे से ऑल क्लियर है। लेकिन एक इशू जो है ना वो ये है कि जो हमने एग्जॉस्ट का काम करवाया वो हमने करवाया सस्ता, सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार, वो वाला सीन है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि जो रीपर में से एग्जॉस्ट पाइप उतरा है हम वो वाला एग्जॉस्ट पाइप अपनी रूडी के अंदर फिट करवा लेंगे, क्योंकि उसने वो फिट नहीं करवाना अपनी गाड़ी में वापस, तो हम हो सकता है कि वो स्ट्रेट पाइप जो ऑलरेडी वेल्डेड है, जो ऑलरेडी शेप्ड है स्ट्रेट पाइप,
वो हम अपनी गाड़ी के अंदर फिट करवा लेंगे। अभी के हालात ये हैं कि मैं आपको भी दिखाता हूँ कि सूखते वाले गाड़ी के नीचे यहाँ पे इंजन शील्ड जो है वो अभी फिलहाल फिट हो रही है। यहाँ पे आ जाए हम तो ये लीकेज हमने खत्म की थी, जैसे कि आपको याद है देर इज नो लीकेज, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अब यहाँ पे आए ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी पाइप का इशू है, ये देखो जरा क्या हालात है। ये जो आप पाइप के हालात देख रहे हैं ना, ये हम नया पाइप लगा लेंगे। ये भी एक हमारी ये चीज जो है वो गलत निकल आई है माशाल्लाह से, ये किसी और गाड़ी की है, इस पे फिट ही नहीं आ रही है। चेसिस तो सेम होती है, तो ये तो बेसिक 2GR हो, 3GR हो, 4GR हो, जो सी मर्जी ये गाड़ी हो मार्केक्स, उसमें ये लग जानी चाहिए। ये इस गाड़ी की है ही नहीं मेरा ख्याल है, तो ये उतारते हैं अब क्योंकि ये फिट नहीं आ रही सही से। तो जी हम मार्केक्स में बैठ गए, बाकी आप समझ ही जाएंगे। अच्छा यार गाड़ी की मैं आपको अपडेट देना भूल गया था कि इसके साइड मिरर जो है वो हमने करवा लिया। ओके ये चेक करें, शशका ही है लेकिन मजे का शशका है, ऑल्टरेशन करके आना पड़ रहा है। ओए ओए अब चेक करो हेडलाइट्स यार, कितने मजे की हेडलाइट्स लग रही है, माशाल्लाह 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 बोलना मत भूलिएगा। ये चेक करें आप, गाड़ी अनलॉक करें। बड़ा एक छोटा सा फ्लेक्स है लेकिन मजे का फ्लेक्स है, मजा आता है आपको ये फीचर यूज करके। गाड़ी आप लॉक करें तो साइड मिरर्स रिट्रैक्ट हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और जब आप गाड़ी अनलॉक करेंगे तो साइड मिरर्स खुल जाएंगे, तो ये बड़े मजे का फ्यूचर है। उसके अलावा ये हेडलाइट्स नहीं हो गई हैं हमारी, बहुत मजे की इसकी एक LED चेंज होनी है, मैंने कल के ब्लॉग में बताया था। उसके अलावा बहुत सारा सामान माशाल्लाह से गलत भेज दिया जैन भाई ने, काफी सामान में यही इशू होता है, कोई चीज अलग आ जाती है, कोई चीज गलत आ जाती है, अलग और गलत चलता रहता है। फिर ये भी हो जाएगा क्लियर इंशाल्लाह होपफुली जल्द। अब आप मार्केट्स के थोड़े से शॉर्ट्स एंजॉय करें, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फाइनली वर्कशॉप से फ्री हो गई है, लेकिन आज के लिए मसाइल हम कुछ फेस कर रहे हैं, जैसे कि इसकी जो इंजन शील्ड थी वो इसकी अपनी नहीं थी, हमें किसी और गाड़ी की चेप दी गई, वो हमने चेंज करवानी, चेप नहीं की वो एक्सचेंज हो जाएगी, जैन भाई हमें दूसरी भिजवा देंगे। सेकेंडली जैसे कि मैंने वो कल बताया था, इसकी हेडलाइट्स के कलर डिफरेंट है, जो लो बीम है, जो जो प्रोजेक्टर लैम्प है उसमें से डिफरेंट टोन की लाइट निकल रही है, वो हमने सेम टोन की करनी है। थर्डली क्या था, हाँ थर्डली इसका एक एसी का इशू है, एसी का कोई सेंसर है या कोई इशू है जिसकी वजह से गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो तब एसी नहीं काम करता, लेकिन जब गाड़ी सही चल रही होती है प्रॉपरली 10-15 मिनट बाद एसी सही से काम करता है, ट्रिप नहीं होता। फोर्थली और क्या बात, ब्रेक लाइट थी वो सही करवा, हाँ एक ब्रेक लाइट अभी नहीं चल रही थी, हम रोलिंग शॉट्स लेके आए तो मुझे अंदाजा हुआ कि एक ब्रेक लाइट सही काम नहीं कर रही, उसका बल्ब सही नहीं है, वो बल्ब हम चेंज करते हैं। आपके पीछे मैं बहुत ठीक है, बेहतरीन, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, ओके हो गया। लो भैया हमारी गाड़ी ओके हो गई है, इसकी लाइट ओके हो गई है, और रही बात है सामान की, तो ये पुराना सामान है, देखो जरा कितना मनहूस लग रहा है। हेलो आपकी गाड़ी में फ्यूचर है? चलो यार घरों घर ही चले, सारे बहुत थक गए। ओके बॉस अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं। और चीज़ें हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इसका जो है ना हम करवा लें, इसके इंजेक्टर क्लीन करवा लें, क्योंकि जब से मैंने गाड़ी ली है ना इंजेक्टर क्लीन नहीं करवाया, इसके इंजेक्टर भी क्लीन हो जाएं। अगले ब्लॉग में इस पर डिटेल में बात करेंगे, अभी आपके भाई की जो तबीयत है ना वो थोड़ी सी डाउन जा रही है वर्कशॉप के चक्कर। और यार मैं आपको एक बात बताऊँ, वर्कशॉप की चीज़ें, वर्कशॉप में जो हो रहा होता है ना और आप जो मसले फेस कर रहे होते हो वो तो एक चीज़ होती है, लेकिन इस इन मसलों को रिकॉर्ड करके आप तक एक ब्लॉग में पहुँचाना ये बहुत मुश्किल काम है। खैर करे यार, वो देखो गलती से वो बॉय ने कहाँ गाड़ी चढ़ा दी है।
आई होप सो कोई नुकसान ना हुआ हो यार, नई गाड़ी है यार, उनको वो सेपरेटर, रोड सेपरेटर नजर नहीं आया होगा। तो पॉइंट आपको बताने का ये है कि इस तरह आपको सारी चीजें जो है ना दिखाना मुश्किल है, दिखाना और रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एनर्जी अलग डाउन होती है, ऊपर से एडिटिंग का जो मसला है ना, एडिटिंग लेट नाइट एडिटिंग और सुबह उठ के वर्कशॉप जाना बड़ी टफ जॉब चल रही है आजकल। लेकिन खैर बस दुआओं में भाई को याद रखें और इंशाल्लाह ये मसलों से भी हम निकल जाएंगे। बस आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं बॉयज। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में भाई को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। चांद जो है वो बड़ा लाल लाल हुआ है, रेड मून। चांद भी थक गया मेरा ख्याल है काम कर करके। बॉयज ये आप देख सकते हैं कि हम बलालगंज आ गए हैं। नहीं एक सेकंड दोबारा। तो बॉयज ये आप देख सकते हैं हम बलालगंज आ गए हैं। ये करोला का बम्पर पड़ा है, ये मार्क एक्स, ये मार्क एक्स वो है, कैट पड़ा है। ट्रांजिशन करनी है यार, चल मिस करवा ट्रांजिशन। मैं कह रहा था इसको ऐसे चुटकी बजा के सिविक एक्स बनाते हैं। वो तूने वैसे दिखा दिए हैं? हाँ वैसे ही दिखा दी मैंने। अच्छा यार बॉयज, बॉयज सीन ये है कि आपको वर्कशॉप जाके बताते हैं अभी, जरा मैं अच्छी गाड़ी चला लूँ, चल।